सभी ब्रह्मांड में उसके और ब्रह्मासी होते ये तो पिछले जनवरी फरवरी से पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है। इसका अभी तक कोई इलाज पूरे विश्व में संभव नहीं हुआ है। जहां तक इसके टीके का सवाल है, इसको विश्व स्तर पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और एक दो देशों ने कुछ सफलता पाई है। इस प्रकार की ट्रायल रन चल रहा है। अभी उसके अगर मान लीजिए कि वो सफल होता है तो उसके आने में कम से कम अभी 5 से 6 महीने लग जाएंगे। इस महामारी से बचने का, अपने को बचाने का 3 मूल मंत्र। पहला मूल मंत्र है कि मास्क पहन लीजिए। आप कभी भी किसी भी गैदरिंग में जहाँ की 2 से 4 से ज़्यादा लोग हो तो उनसे आप मास्क पहन के जरूर जाइए, चाहे कुछ भी हो। प्रश्न उठता है कि ये मास्क जो है कौन सा पहने, महंगा वाला पहने या सस्ता वाला पहने। तो जैसे भाई जी ने अभी कुरान मान रखा है, हम लोग गांव वाले हैं, देखिए दादा जी ने जो है गमछा मान रखा है। तो इस तरह से केवल हम अपने आप को बचा सकते हैं इस मास्क को लगा करके, या कपड़े का कोई भी पुराना कपड़ा हो उसके 4 मिनट 5 मिनट 1 मिनट। एक मास्क को अगर आप पहनना है तो 5 घंटे से ज़्यादा मत पहनिए। और अगर आपके कपड़े का मास्क है तो उसको साबुन से धो करके सुखा करके फिर से दूसरे दिन से वापस। तो पहला मंत्र है मास्क। दूसरा मंत्र है 2 गज की दूरी बनाए रखें, क्योंकि इसमें ये नहीं पता होता है, इसमें ये पता नहीं होता है कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं और ये कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, नहीं को पता है ना मुझको पता है। तो सावधानी ये है कि हम कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे, क्योंकि ये वायरस जैसा बताया गया है कि मुंह से और नाक से जो खांसी और छींक के समय छोटे छोटे पानी की बूंदें भी निकलती है उसमें छुपा होता है। तो उससे बचाव के उपाय है कि हम जो है कम से कम 2 गज की दूरी। और तीसरा उपाय है कि कहीं भी आप कोई भी बाहर छूते हैं उसके बाद एक कोई भी साबुन ले लीजिए, सस्ते से सस्ता साबुन ले लीजिए, उस साबुन से कम 20 सेकंड या आधा मिनट तक हाथ जरूर धोना। इतने 3 उपाय कर लीजिए, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर चाहेगा तो आपको बचाए रखते। इस गांव को जब मैं आया हूँ तो मुझे पता चला और नाम दिया गया नाग बड़ी। तो हमारे कमल जी है, मैंने इनसे पूछा कि अगर नाक बड़ी है तो नाक छोटी भी होनी चाहिए, तो पता चला कि ऐसा है। तो हम आप के इस गांव को वोट दिए हुए हैं। हमारे अनिल दुलार जी जो हैं इसके संयोजक और संरक्षक हैं इस गांव के वोट देने में। परसों इनसे बहुत विस्तृत बात हुई कि जिस तरह की भी कोई समस्या हो यहाँ जा करके करेंगे सर्वे करें कि किस किस तरह की समस्याएं हैं पहली चीज, और दूसरी चीज सरकार के कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्योंकि उन योजनाओं के क्रियान्वयन में ब्लॉक स्तर पर कहाँ कहाँ पर कैसे होता है कि अगर वो गाँव बहुत जागरूक नहीं है तो वहाँ पर विकास नहीं होगा। तो आपकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हमारे दुलार जी हैं जो ये रहेंगे और आपकी सहायता करेंगे, हमारे फैक्ट्री मेम्बर और हमारे स्टाफ की सहायता से। तो आपके उस विकास के प्रयास को हम गति देने का काम करेंगे। तीसरी चीज ये है कि आपको जब मैंने गोद लिया है तो आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ पेड़ों की संख्या उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो मैंने ग्राम विभाग जी से कहा है कि यहाँ पर हम लोग के लिए वृक्षारोपण का भी कार्य करेंगे, क्योंकि वृक्ष जो है वो एक तरीके से हमारे लिए एक नशा है। मैं जब आया विश्वविद्यालय में तो कैंपस में देखा तो उस समय मैंने 15 अगस्त को करीब 5,000 पेड़ हमने लगाए हैं और इनकी सुरक्षा में रोज सुबह 4 बजे मैं
तो आप लोगों से निवेदन है कि एक एक पेड़ को खाद खोद दे दीजिए कि उसकी निराई गुड़ाई खाद पानी की व्यवस्था आप करेंगे और आप अपने बच्चे की तरफ से उस पेड़ को पाल लेंगे तो वो आपको आपके बच्चे की तरफ से भविष्य में सुनते हैं। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत। जय Thank you.